डगरवा के प्रखंड परिसर में AIMIM द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सीमांचल के किसानों की हुई फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन किया गया। इस समय हम खड़े हैं डगरवा के प्रखंड परिसर में और यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी धरना पे बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ 8 मांगे हैं, क्या किसान फसल क्षति अभी तक नहीं दिया गया है लोगों को, और ये लोग कई दिन से इस तरह के पहल कर रहे थे और आज ये लोग धरने पे बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या मांग है और क्यों नहीं मिला है, बताइए। आप तो देख रहे हैं कि सीमांचल के किसान का सारा फसल दह गया है, लोग खाने के लिए मोहताज हैं। अभी जो खेती लगाया है उसमें पूंजी लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसके बावजूद 6 महीना गुजरने के बाद फसल क्षति का मुआवजा प्रखंड को आता है, कुछ पंचायतों में भेजता भी है, शेष में जियो टैगिंग का बहाना बना के उस पैसे को रोक देता है। तो मेरा सवाल है कि ये सूची आपके द्वारा तैयार किया गया है, आपके पदाधिकारी जाँच के उपरांत ये सूची बनाएँ, फिर 6 महीना बाद ये जियो टैगिंग का नया मामला क्या है? आप क्यों जियो टैगिंग कराना चाहते हैं और इस वक्त कौन सा जियो टैगिंग होगा जबकि हर खेत में मक्का का फसल है? उस फसल की लंबाई 5 से 6 फीट है, किसान खुद अपने आल को नहीं पहचानता है, ये पदाधिकारी किस आल का जियो टैगिंग कराएंगे? तो ये जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। आप बाकी पंचायतों को पैसा दे दीजिए, आपको जौन सा प्रक्रिया करना है, जाँच करना है, आप कीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पैसा हमारा 3 दिन के अंदर हमको मिलना चाहिए, हमारे किसान को मिलना चाहिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो हमने अभी धरना में भी कहा है और आपसे भी कह रहे हैं कि हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और हर तरह का आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है जिला प्रशासन से, ये पूर्णिया जिला में सिर्फ लगा है ये जियो टैगिंग का मामला, हम लोग पता किया है, अररिया में कोई मामला नहीं है, बाकी अगल बगल के जिला में नहीं मामला है, तो ये पूर्णिया के केवल सीमा ये किसानों पर यह जियो टैगिंग का मामला क्यों लादा गया है, ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। दूसरा जो मामला आप देख रहे हैं, सूची में नाम है, अनुसर्वण समिति से जो पारित करवाया गया उस सूची में नाम है और GR की राशि उसको नहीं दिया जा रहा है। कह रहा है कि आपका खाता नंबर गड़बड़ है, कह रहा है कि इसमें खाता नंबर देना भूल गया, कह रहा है कि आवंटन इससे कम मंगाए। तो ये जो बैठे हैं पदाधिकारी लोग, आखिर ये कौन सा डिग्री लेके आए हैं? आपको सभी पंचायत का कुल कितना लोग प्रभावित है उसका सूची होगा आपके पास, आप पैसा तो उतना मंगाए होंगे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आवंटन कम आया है? तो आपने आवंटन कम क्यों मंगवाया और जिला जो पारित सूची में जिन लोगों का नाम है उसको आप कैसे पैसा देंगे और कब देंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार को मतलब कई तरह का मुद्दा है। अभी देख लीजिए, जो बालू गिट्टी का सबसे बड़ा मामला है, हम लोगों का घर गिर गया है, हमारे लोगों का घर टूट चुका है, अब उसका हम अपने ही पैसा से किसी तरह कर्ज लेकर रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो 3,000 का बालू 8,000 में ले रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि ये 3,000 का बालू 8,000 का क्या खेला है? सरकार ने पेपर में घोषणा किया था कि 2400 में आलू बालू देंगे, तो आज 8,000 में क्यों? गिट्टी भी ले लीजिए, आज दोनों दाम में खरीदने पे मजबूर हैं हम। तो ये हर तरह का मार हमारे लोगों के साथ क्यों, हमारे किसान के साथ क्यों? और अभी आने वाला जो दिनों में फसल हमारा तैयार हो रहा है, हमको तो अभी से चिंता हो रहा है कि वो फसल हम कहाँ बेचेंगे और किस दाम में बेचेंगे। अगर हमको अपने लागत का प्रॉफिट के साथ कुछ दाम नहीं मिला तो लगता है कि हमको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, ये समस्या है हमारा। इस सभी समस्या को हम लोग रखे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपसे भी आग्रह है कि हमारी बात को आगे पहुंचाइए ताकि सरकार का आँख खुले। किसान ही सरकार इस देश का पूंजी है और उस पूंजी को समाप्त किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ सरवर साहब। इन लोगों के कई तरीके की मांग है कि किसानों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आइए कुछ किसान से बात करते हैं कि आखिर क्यों नहीं इन लोगों को मुआवजा मिला है, क्या परेशानी है? आप किसान हैं, क्या परेशानी है आप लोग? परेशानी हम लोग है कि पैसे नहीं मिलता है न वो मुड़ता है और खेत करने के लिए हम लोग परेशान हैं, कोई है साधन नहीं है, दिए हैं दरखास्त वो भी नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ का भी ये नहीं है। मतलब आप लोगों को फसल क्षति जो हुआ था वो सरकार के तरफ से नहीं मिला? नहीं मिला, फोटो करके भी दिए, खेत आप आकर के फोटो किया, उस पर भी नहीं मिला हम लोगों को। ये है समस्या इन लोगों का। देख रहे हैं आप काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ है यहाँ पे, धरना पे बैठे हुए थे लोग और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को कई मतलब सिर्फ फसल ही क्षति नहीं है, कई तरह की परेशानी है, नहीं मिला है। हमारे साथ अमीन साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि बताएं क्या परेशानी है यहाँ किसान क्षेत्र इलाका
है लोगों को, इतना बड़ा सैलाब आया था और लोगों को सैलाब में पैसे नहीं मिले, उसके बाद घर दह गया, ये सारी समस्या जी। सबसे पहली तो एक तो ये जैसे सब लोग जान रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधु भी जान रहे हैं कि यहाँ जो अगस्त में सैलाब आया, इस सैलाब में यहाँ के लोगों का, किसानों का फसल बर्बाद हो गया, घर तबाह हो गया, मवेशी बर्बाद हो गए, आदमी बह गए, लेकिन जीआर की राशि जो दिया गया तो महज 6000 रुपया दिया गया, वो भी अनुसरण समिति जांच करके अपना पारित करके दिया, उसमें भी बहुत सारे लोग जो जिसका नाम अनुसरण समिति से पारित है और सूची में भी नाम है, तब उनको पैसा नहीं दिया गया। पिछले साल का जो फसल क्षति का पैसा है उसमें इस ब्लॉक का सिर्फ 31 लाख रुपये बाकी है जो अनुसरण समिति से पारित है। इन्होंने बताया, समस्या बताया कि पैसा नहीं है, पैसा जैसे ही जिला से आएगा दिया जाएगा, लेकिन आज तक पिछले साल का भी पैसा फसल क्षति का नहीं दिया गया। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वो मैं बताना चाहता हूँ आप सबों को कि अभी कुछ पंचायतों में सभी ब्लॉक में लगभग पैसा जा रहा है, लेकिन अजीब तरह की बात है, जियो टैगिंग अभी किए हैं, अब उस खेत में जो है मकई लगा हुआ है पूरा, इतना 5 फीट का मकई हो गया, अभी जियो टैग में उसमें किस चीज़ का पिक्चर जाएगा जियो टैग में? तो ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जो किसान जो आज परेशान है, जो रोड पे रहा, अपने बच्चों को भूखा रखा, किसी तरह से वो सोचा कि फसल क्षति का कुछ मुआवजा मिल जाएगा, पैसा भी आया हुआ है और देने नियत में बदमाशी होने की वजह से, नियत ख़राब होने की वजह से कि इस गरीबों को पैसा नहीं दिया जाए, उसकी वजह से ये नया कानून लगा करके अब आया हुआ पैसा को रोक करके रखा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके अलावा भी बहुत सारा समस्या हमारे यहाँ है जो गृह क्षति का है। गृह क्षति के मामले में तो कान पे जूही तक नहीं रेंग रहा है, जबकि उसका सर्वे हुआ, फ़ोटो हुआ, सर्वे होने के बाद, फ़ोटो होने के बाद ब्लॉक के पदाधिकारी ने जाकर के फ़ोटो खींचा, उन्होंने सर्वे किया, कोई पंचायत के प्रतिनिधि ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने सर्वे नहीं कराया, इनके पदाधिकारी ने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद आज तक उसका कोई चर्चा नहीं है कि वो गृह क्षति का पैसा कब देगा। अब किसान, अब जिसका घर गिर गया वो बेचारा कर्जा लेकर के परेशान होकर के किसी तरह से अपना बाल बच्चों के साथ उस घर में रह रहा है, लेकिन उसको मुआवजा का पैसा का कोई बात नहीं है। इसी बात को लेकर के हम लोग जो है धरना प्रदर्शन यहाँ आज आयोजन किए हैं। अगर हमारे मांग को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग इसको बड़े स्तर पर ले जाएंगे, अनुमंडल स्तर पर ले जाएंगे, जिला स्तर पर ले जाएंगे और हम इस सरकार को पूरा घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी मांगें थी, आपके सुन लिए कि हम लोग बड़े पैमाने पे धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे। अब बने रहिए SDN न्यूज़ के साथ, मैं तहजीबुल हसन।